इन दिनों नकली जहरीली शराब का काम उत्तर प्रदेश में बहुत जोर शोर से चल रहा है, जिससे कई तरह की परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। कहीं लोग शराब पीकर दंगा फसाद कर रहे हैं तो कहीं बीमार पड़ रहे हैं। इस बात के मद्देनजर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए कन्नौज के गुरुसहाय गंज कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ले के रहने वाले अंत गुप्ता, मयंक व सुंदर लाल को पुलिस ने जहरीली शराब के साथ गिरफ्तार किया है और आगे की तफ्तीश जारी है। कन्नौज से अमित राजपूत की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।